नए ख्वाबों के साथ, कुछ इशारे नई नई बातों के साथ। रोकना नहीं उम्मीदों का सफर, तुम हमसे हम हैं तुम्हारे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छुट्टियां हो और बच्चे घर पर हो तो भला GMB उन्हें किस तरह भुला सकता है। लिहाजा लास्ट ईयर की तरह एक बार फिर हमने ऐलान किया समर कैंप का। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस गर्मी में आपको चिल करने के लिए GMP ला रहा है समर कैंप, और सारे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। ऑडिशन डे वन में तो एक मेले की तरह रश लग गया। बच्चे और उनके पेरेंट्स अपने पसंदीदा बैट्स के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। आखिर खुश क्यों ना हो, उनके बेस्ट फ्रेंड्स ने पहली बार GMP के जरिए देखेंगे। ये ऑस्ट्रेलियन है और इनकी खासियत ये कि दे एक्ट लाइक किंग्स। हाई जंप्स करती है और ये फेच अच्छा करती है। गेम्स खेलूंगा, बस बच्चों के साथ मजे लेने हैं यहाँ पे। सलाम छोटी, होप फॉर द बेस्ट। मे बी और मे बी नॉट। ये उड़ता है जी? कुछ बोलता है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलता। जर्मन शेफर्ड है ये फुल पेडिग्री डॉग है, पिंक पेडिग्री है। इसके जो बाप है ही इज करंट पाकिस्तान चैंपियन। ऑडिशन के दौरान बच्चों और उनकी मॉम का कॉन्फिडेंस देखने वाला था। हमारे डायरेक्टर्स के लिए ये फैसला करना बड़ा मुश्किल था कि किसको सिलेक्ट करें और किसको ना करें, क्योंकि हर माँ की ख्वाहिश थी कि उसका बच्चा GMP समर कैंप का हिस्सा बने। नए दिन नई उम्मीद नए ख्वाबों के साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं आपको कुछ बताऊंगी समर कैंप के पहले दिन स्क्वॉश के बेताज बादशाह जान शेर खान के बारे में कुछ, और वो तमाम बच्चे और अम्माएं जो मुझे बड़े गौर से देख रही हैं और फादर्स भी, उनके लिए बड़ी हैरानी का बायस होगा कि जान शेर बचपन में निहायत ही पतले दुबले हुआ करते थे और उन्हें चोटें इतनी लगती थी जिसकी वजह से उनके माँ बाप बहुत परेशान रहते थे। अब्बा उनके एयरफोर्स में थे, लेकिन उसके बावजूद भी बेटा छोटी सी छोटी चोट पे अपना कभी हाथ तोड़वा लेता था, कभी पांव तोड़वा लेता था। और इसी तरह जिंदगी के दिन और बचपन की शरारतों के साथ जानशेर पल बढ़ रहे थे। लेकिन 13 साल की उम्र में जानशेर पहली दफा मुल्क से बाहर स्क्वॉश की एक चैंपियनशिप खेलने गए और 15 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन जूनियरशिप जीतकर दुनिया को हैरान कर दिया। आपके लिए और मेरे लिए ये बात दोनों के लिए बड़ी हैरान कुन है कि जानशेर, जिसने 10 साल तक किसी और को अपने मुकाबले में आने नहीं दिया दुनिया में, स्क्वॉश की दुनिया में, वो उनकी मदर जो थी, ज्यादा बोल रहे हैं, उनकी जो मदर थी वो टोटल एंड टिपिकल हाउसवाइफ थी। जाहिर पठान फैमिली है तो उनका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर नहीं था कहीं दुनिया भर का, लेकिन इसके बावजूद भी जानशेर की तरबियत देखिए आप कि उन दो हाथों ने, उन खूबसूरत दिमाग ने इस तरह की कि उनके बेटे ने बड़े होकर दुनिया को हैरान ही कर दिया। तो जानशेर की आज चूंकि 41st बर्थडे है, 41वीं बर्थडे मना रहे हैं, सो हमने सोचा कि आज बच्चों को, माओ को, पेरेंट्स को हम बताएं कि जानशेर ने दुनिया में क्या क्या किया था और बचपन में माँ बाप जो फिक्रमंद थे जानशेर के, वो सही थे। बहुत छोटे बहुत पतले दुबले, जिन बच्चों को हमेशा कहा जाता ना, अरे ये इतना दुबला पतला रे बेचारा, और देखें बड़े होके किस तरह जानशेर ने क्या क्या नहीं किया उस दुबले पतले जिस्म से। जिस्म मैटर नहीं करता, अक्कल मैटर करती है, तरबियत मैटर करती है, और यही सब हम कुछ आपको बताएंगे समर कैंप के दिन। आप समर कैंप के जो दिन आज से शुरू हो गए हैं, आई एम सॉरी, कल हम बहुत सारी टेक्निकल वजूहात थी, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी समर कैंप के प्रोग्राम वन में, लेकिन आज प्रोग्राम वन है, कल कुछ सेट वेट का प्रॉब्लम था। और आप आज मुझे ये बताएंगे कि समर कैंप का सेट आपको कैसा लग रहा है। कुछ बहुत सारी ओरिजिनल चीज़ें हैं जो आपको इस पर नज़र आएंगी, जैसे आपको ये पैरट्स नज़र आ रहे हैं। मेरे पीछे बैठा हुआ ये मकाओ जो एक बच्चे का है,
जो जिससे आज मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं आपसे, ये मत समझिएगा कि स्क्रीन पे मेरे साथ जो लोग शामिल हैं सिर्फ उनके लिए चिल है या उनके लिए कूल होने का मौका है, ऐसा नहीं है। बल्कि वो लोग जो तमाम इस वक्त मुझे वहाँ देख रहे हैं बैठ के, उनके लिए बहुत सारे हमेशा पिछले साल की तरह बहुत सारे इनामात भी लेकर आए हैं। अब आप मुझसे पूछे कि वो बहुत सारे इनामात क्या क्या हैं, तो मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूं। गट्स बाय कैम्ब्रिज शॉपिंग वाउचर, कॉस्मेसिटिक के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, इंटेल गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बोनेंजा गारमेंट्स के शॉपिंग वाउचर्स हैं, ऑडियोनिक के MP3 प्लेयर्स हैं, लोलैंड वाइटा स्पार्क के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, एनिक्स होम अप्लायंसेस के डीलक्स ओवन्स हैं, टोस्टर्स हैं, डीलक्स जूसर्स हैं एंड ड्राई आयरन्स हैं। तो ये तमाम अट्रैक्शंस जो हैं वो आज आपको मिल सकती हैं, और लेकिन कॉल करने पर ऑब्वियसली। अच्छा, इसके साथ साथ बड़े लाइव एनिमल्स भी आप देखेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ बैठूँ, जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आपको ये टर्टल नजर आ रहे हैं, और ये सारे के सारे ओरिजिनल हैं। ये ना सोचिएगा ये वो ऑस्ट्रेलियन पैरट जो है वो भी ओरिजिनल है, वो मकाओ है वो भी। और इसके साथ साथ रोजाना मैं आपको बड़ी सारी चीजें दिखाने वाली हूँ। ये जिस वक्त है ये एक टर्टल, बल्कि ये दूसरा तो मशहूर जमाना है जो मेरे डायरेक्टर का है अपने, वो मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर बाद, उसको गोद में भी लेंगे हम लोग। लेकिन ये छोटे जो है ये भी बाकी ARY की सारे हमारी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, बस वो मकाओ जो है वो हमने मंगवाया है। अच्छा, जिनका मकाओ है उनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। बाय द वे आपको बता दूं मैं कि मैंने कहा था जी स्टार मॉम और स्टार किड, लेकिन पहले मॉम, तो GMP ने एक नई आप कह लीजिए कि आपको चीज देने जा रहा है GMP, और वो ये कि हमारी जो मॉम्स हैं उनको कभी सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो इस दफा हम बच्चे को पहचानेंगे दुनिया भर में बच्चे को। वैसे ऑल दो हमारे मजहब में भी यही है कि बच्चा जो है वो अपनी माँ से पहचाना जाता है, लेकिन दुनिया भर में आपके बाप का नाम लिखा जाता है साथ। हमने ये एक चीज चेंज लेकर आए कि हम माओं के नाम के साथ बच्चे को सर्टिफिकेट देंगे, माँ को देंगे, जो कि बच्चे की अपनी प्रॉपर्टी होगा, उसके अपने CV फाइल में लगेगा, उसके CV में भी रख सकते हैं। तो इस वक्त मैं जिस आज के स्टार किड से और स्टार मॉम से मिलवाने जा रही हूँ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो लेट्स वेलकम आज जो हमारे साथ हैं, और इसके साथ साथ मैं नाम बहुत सारे अनाउंस भी करूंगी। पहला दिन है ना, तो जरा इधर उधर चीजें हो रही हैं। तो मिसेस कमल नईम, जो कि जुहेब बिन नईम और जैन अरशद की मामा हैं, आए जी, अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए आ जाइए, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ। हेलो, अच्छा इसमें से जुहेब और जैन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वाह 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 वाह, आ जाए आ जाए, यहाँ आ जाए, क्या हालात है आपके? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक है, खैरियत से है। कमल, पहले तो मुझे ये बताया, मैंने कहा है पहले सेगमेंट में मैं आपकी ऐसी मॉम से मुलाकात करवाऊंगी जिनके बच्चों ने बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ अपनी रिपोर्ट कार्ड लिए हैं, अपने एग्जाम्स में बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं। इस वक्त आपको बहुत सारी माएं सुन रही हैं कमल, बिल्कुल बेहतरीन टिप पेरेंटिंग की और बच्चों को पढ़ाने की बताएं, ये इतने जीनियस कैसे बन सकते हैं? मेरे ख्याल में सबसे जरूरी है बच्चे को कॉन्फिडेंस देना। बताएं, अगर कॉन्फिडेंस बच्चों में होगा तो ही सब कुछ हो सकता है, वो पढ़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं। एक्टिविटीज जरूर होनी चाहिए बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ, वरना बिल्कुल बोर हो जाते हैं वो। हाँ। और मेरा यही ख्याल है कि कॉन्फिडेंस सबसे पहले जो है ना वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर वो माएं जो बिचारी कहती हैं हाय मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, हाय मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, कॉन्फिडेंस किस टाइप का कॉन्फिडेंस दे भाई? मतलब आप बच्चों की बात सुने, आप हाँ। उनके साथ साथ रहें, जरूरी नहीं है पूरा दिन उनपे अगर सवार है तभी वो कॉन्फिडेंस है। हाँ। आप जितना टाइम भी दें, क्वालिटी टाइम दें उनको, और मेरे हिसाब से वही बेहतर है कि आप उनकी हेल्प करें, किस चीज में उनको प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पढ़ा। व्हाट डू यू थिंक कि बच्चे आजकल इतने ज़हीन हो चुके हैं, आपको लगता है कि बच्चों को कन्विंस करने के लिए टाइम चाहिए होता है? बिल्कुल चाहिए, डांट नहीं, नहीं टाइम चाहिए होता है, डांट बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। हाँ। उनसे आप पूछें कि कोई प्रॉब्लम है, उन्हें जो भी प्रॉब्लम है आप बताएं, आप शेयर करें। और बच्चों के साथ आजकल वो दौर है कि आपने भाग भाग के उनके साथ कोई एक्टिविटी है उनको, जैसे ये स्विमिंग करते हैं तो इनके फादर खुद जाते हैं साथ, दो घंटे हाँ। वहीं पे स्टे करते हैं कि ये क्या कर रहा है। हाँ। स्कूल भेज दिया, वापस आ गया, उसके बाद कुछ नहीं पता क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं। कपल्स अपने बच्चे प्लान भी कर रहे हैं, उनको मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चे सिर्फ पैदा नहीं किए जाते, बच्चे उसके बाद जो पाले जाते